गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ. टूडे आई एम हेयर टू टीच यू मैथ्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ योर सेकेंड यूनिट, एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, मीन्स संख्या का विस्तार. कि आप लोग डिटेल में इस चैप्टर में आप लोग डिटेल में नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, है ना. आप लोग ने जो फर्स्ट क्लास से लेकर फोर्थ क्लास तक जितना भी पढ़ा है ना, वो सब आप इस यूनिट में इसका रिवीजन करोगे. रैपिड रिकॉल मतलब होता है जल्दी से जो पहले आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन करना, है ना. हु इज़ व्हाट, इसमें बताना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर कौन से होते हैं, वन डिजिट नंबर्स क्या होते हैं. आप सबको पता है ना, जो जीरो से लेकर नाइन तक की नंबर्स होते हैं वो सब वन डिजिट नंबर होते हैं. वन डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जीरो टू नाइन, है ना. क्योंकि इनमें केवल वन डिजिट होती है, इन सब में वन डिजिट होती है, वन टू थ्री फोर, है ना. तो ये होते हैं वन डिजिट नंबर. और अगर आप लोगों से पूछा जाए वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का मीन्स क्या होता है, वन. जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, वन. वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर वन ही होगा, क्योंकि जीरो का मतलब तो नथिंग होता है ना. जीरो हम लोग स्मॉलेस्ट में नहीं लेते. अगर जीरो हम लोग किसी नंबर के आगे लगाएंगे, जैसे वन ज़ीरो है, वन के आगे अगर जीरो लगाएंगे तो ये टू डिजिट का नंबर हो गया, तो ये स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हो जाता है, ठीक है. और अगर हम लोग वन से पहले जीरो लगा देंगे तो ये तो वन ही होगा. तो इसलिए जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती. अगर अकेले जीरो लिखा होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है. स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर वन होता है. और अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, तो वो क्या होगा, नाइन, है ना. क्योंकि नाइन के बाद क्या आता है, टेन. तो टेन तो टू डिजिट नंबर हो जाता है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर नाइन हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फिल करना है. वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर वन होता है ना. और वन डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, नाइन. अभी हमने आप लोग को बताया था, है ना. और अभी हमने आपको बताया था जो टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है, नाइन के बाद टेन आता है, टेन टू डिजिट होता है ना, तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा. तो टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, टेन. और टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, नाइन्टी नाइन. क्योंकि नाइन्टी नाइन के बाद हंड्रेड आता है ना, और हंड्रेड थ्री डिजिट नंबर हो जाता है. अगर आप लार्जेस्ट वन लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर में वन ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, है ना. तो ये आप लोग को फिल करना है इसी तरह से, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स. इन्हें आपको वर्ड्स में लिखना है. आप लोगों ने थर्ड फोर्थ क्लास में तो पढ़े ही होंगे वंस टेंस हंड्रेड, आप कैसे वर्ड्स में लिखते हो, है ना. तो जो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से. नंबर्स जो लिखा होता है इसे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते. तो ये जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है राइट साइड में, वो होता है वंस प्लेस पे, है ना. फिर होता है टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, और ये हंड्रेड प्लेस पे, ये होता है थाउजेंड प्लेस, ये टेन थाउजेंड, और ये होता है लैक प्लेस पे, है ना. इस तरह से होता है ना, जैसे ये नंबर दिया गया है. तो इसे वर्ड्स में कैसे लिखोगे, वर्ड्स में लिखने के लिए ये पहले आप लोग को इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए. ये होता है वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये टेन थाउजेंड होता है, ये लैक होता है. तो अब आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना. ये क्या हो गया, सिक्स लैक, लैक प्लेस पे सिक्स है तो सिक्स लैक. सिक्स लैक. फिर थाउजेंड प्लेस पे क्या है, सेवेंटी सिक्स. क्योंकि ये थाउजेंड और टेन थाउजेंड ये दोनों जो होते हैं थाउजेंड प्लेस पे ही होते हैं, तो इसे कंबाइन करके क्या बोलोगे, सेवेंटी सिक्स थाउजेंड, सेवेंटी सिक्स थाउजेंड. और ये जो वंस टेंस और हंड्रेड होती है वंस प्लेस होती है, फिर क्या लिखोगे, वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व. वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व. तो इस तरह से आप
नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आई वर्ड्स में कैसे लिखते हैं नंबर्स को? तो बच्चों इसके आगे आपको क्वेश्चंस खुद करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन फिगर। अब आपको क्या करना है, इन्हें जो वर्ड्स में लिखा है उन्हें फिगर में लिखना है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है 2,42,907, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करोगे। हमने बोला ना वंस प्लेस पे पूरा होता है 907, तो क्या लिखोगे 907, है ना। फिर ये 1000 प्लेस होती है ना, 42,000 लिखा है ना, तो क्या करोगे 42, फिर 2,00,000, है ना। 2,00,000 यानी कि यहाँ पर केवल वन ही डिजिट की बात की गई, 2,00,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,00,000, है ना। तो अब आप इसे कैसे पढ़ोगे, 2,42,907, है ना। तो इसके आगे आप लोग को करने के क्वेश्चंस। नेक्स्ट राइट इन एक्सपेंडेड नोटेशन। अब आपको इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये भी आप लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हो, फोर्थ क्लास तक, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 65,942। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, इधर लिखा है ना 6, तो 6 के आगे जितने डिजिट्स हुआ करें ना उतने जीरो आप लोग को लगाने हैं। जैसे यहाँ पर 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, काउंट कर लो, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा दिए। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट है 5, है ना। 5 के आगे 3 डिजिट्स हैं, तो आप कितने लगाओगे, 3 0। फिर सॉरी प्लस, यहाँ पर नेक्स्ट है 9 के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 2 0 लगाओगे। फिर प्लस 4 के आगे 1 डिजिट है, तो 10 लगाओगे। प्लस 2 के आगे एक भी डिजिट नहीं है, तो केवल 2 लिखोगे, तो इसके आगे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब इन्हें आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, जैसे इधर लिखा है 70,000, फिर 0 है, तो इसे कैसे लिखोगे, 7 के आगे कितने 4 डिजिट्स हैं ना, तो यानी कि 7 कौन सी प्लेस पे होगा, 10,000 प्लेस पे। फिर उसके बाद ओनली 0 है, तो 0 की जगह केवल 0 ही लिखना है, ठीक है। फिर 700, नेक्स्ट 7, फिर 77, है ना। तो अब इधर आप लोग को चेक करना है, तो कैसे करोगे, इधर 7 10,000 प्लेस पे आ रहा है, तो इधर काउंट कर लो, 1, 10, 100, 1,000, 10,000 प्लेस पे यहाँ पर भी 7 आ रहा है ना, फिर 0, है ना। फिर 700 प्लेस पे आ रहा है, इधर भी 700 प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पर 10 प्लेस पे आ रहा है ना, और यहाँ पर 1 प्लेस पे आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग को चेक करना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग का होमवर्क है ये, आपको पूरा पेज कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।